तीन चार घंटे पढ़ने के बाद जब आप
नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, तो आखिरी उसके घर को आबाद करते हैं। तो ये वजू का काम भी है, काम नाम भी है। तो बाद मसल में जो हाथ आगे कोशिश होनी चाहिए वो आदमी नमाज करे और माता का आखिरी का काम होगा कि अपने अपनी लाखों की ये छोटी कहीं के साथ अच्छा मिला वो नमाज पढ़ चुका है। और अगर ये मतलब नहीं है कि आप कभी का टाइम कम होने लगे तब आप नमाज के नाम पढ़ लें, अच्छी बात नहीं है। आपको नमाज पढ़ने के लिए पढ़ी है, अपने अपने काम को और बात के दरमियान में करना चाहिए। इसलिए एक बार के बाद नमाज का टाइम होता है एक बजे आप मसल में पहुँच जा करें, खुले करें, सुनते पढ़े और उसके बाद बार बार नमाज पढ़ने के बाद आप भी क्या सुनिए, आप भी पेपर से जी आ रहे हैं उसकी वजह से आपके घर को बचत होगी, आपके पढ़ने में बचत होगी, आपके काम में बचत होगी। इसको आप भी अपने ऊपर टाइम डालें, नमाज का टाइम करना हमारे ऊपर जरूरी है, फर्ज है। तो आप आपके साथ ज्यादा जरूरी भी अमल है वो नमाज का है। तो नमाज में आका की आंखों की नजर है, तो आका की उसकी साथ मुलाकात नहीं कवर के अंदर जो नमाज पढ़ता होगा, जो नमाज नहीं पढ़ता, ना उसकी कुर्बानी है, ना उसका जिक्र है, ना उसकी नाम है, कुछ भी उसका नाम नहीं है। जब तक नबी पाक ने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़े आपको कोई भी अमल आपकी कोई भी नहीं काम है। इस पर आपने सभी अमल करें, अपने ये दो भी नमाज के लिए नहीं तमाम आपको एक नमाज को कायम करेंगी। आप यही तरह नहीं करें, बारह करें सभी लोग जो है वो पाँच वक्त की नमाज पढ़ें। आखिरी बात, जब वाकई नामा होता है तो तुरंत आपको दूसरे आपका मतलब ये होता है आपके हिसाब से अगर सुनना भी बैठ के उठ जाए तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी मूवमेंट, आपकी हरकत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी बच्चे खास काले होते हैं, सुधी काले होते हैं, सामने खास काले होते हैं, टूटे सीधे हुए होते हैं। जब नामा होगा हो अटेंशन की जरूरत में हो तो ये आपके ऊपर कॉपी का इजाज है। आपकी कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे हो जाए प्रबल बने हुए हैं, आपकी मूवमेंट ना हो। इसी को आपने यही लगाया कि जितना की प्रावधि है उसका ड्रामा हो, आप जीते रहे ऐसी बात नहीं है। Thank you.